एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसी आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए, जिसके लिए आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें सारी स्टेट अप्लाई नहीं कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये स्टेट्स बता देता हूँ कौन कौन सी स्टेट में ये लोग अप्लाई कर पाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपका वक्त बिल्कुल भी जाया ना हो। देखिए, अगर आप वेस्ट बंगाल से आते हैं, बिहार से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, झारखंड से आते हैं, आंदमान एंड निकोबार से आते हैं, सिक्किम स्टेट से आते हैं, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। 64 आप लोगों को यहाँ पे पोस्टें मिल रही हैं, जनरल के लिए 45 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 7 पोस्टें हैं, ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए 8 पोस्टें आपको मिल रही हैं। पे स्केल 12,500 से लेकर 28,500 के बीच में बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। तो सारी डिटेल हम ए से लेकर जेड तक जानेंगे, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं ना, तो ये जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब कैसे दबा लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट टाइम पे मिल सके। अभी मत दबाना, जब वीडियो को छोड़ने लगोगे ना तब सोचना क्या आपको दबाना चाहिए या नहीं। तो फिलहाल हम सारी इंफॉर्मेशन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट samajayaka.in से ही लेंगे, क्योंकि मैंने सारी इंफॉर्मेशन जितना भी मुझे मिला वो मैंने सारा यहाँ पे इस पेज पे अपडेट कर दिया है। आप लोग भी आना चाहते हैं जरूर आइए, गूगल से सर्च कीजिए samajayaka.in, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन या पहला कमेंट देख लीजिए, वहां पे भी मैंने ये लिंक दिया हुआ है। तो चलिए, यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को बता दूं, इसमें 64 पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की, ऑनलाइन मोड है, डिफेंस की जॉब ये नहीं कह सकते हम, लेकिन मैं कहूं तो डिफेंस की तरह ही है शायद, लेकिन ऑल इंडिया लाइबिलिटी, जी हाँ। अब बात करते हैं एग्जाम लोकेशन की, कोलकाता है, पटना है, रांची है, भुवनेश्वर है एंड रायपुर के अंदर आपको ये जो लोकेशन होगी एग्जाम की वो मिल जाएगी। एडमिट कार्ड अभी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, ऑनलाइन ही आपको वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। कौन अप्लाई कर सकता है ये मैंने पहले बता दिया, जेंडर मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होगी, सीबीटी होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, फिर फिजिकल मेजरमेंट, और फिर होगा आपका ड्राइविंग टेस्ट, फिर होगा आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फिजिकल की डिटेल। मेल 167 सेंटीमीटर, फीमेल 157 सेंटीमीटर, ये हाइट मैंने बताई है। फिजिकल टेस्ट की मैं बाद में बात करूंगा, सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर आपने 10वीं पास की है और आपके पास 3 सालों का रेगुलर डिप्लोमा है इन मैकेनिकल में हो जाए, ऑटोमोबाइल में हो जाए या फायर में हो जाए, तो दोस्तों 50% मार्क्स इस डिप्लोमे में भी होने चाहिए तो आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, आपने सिंपल नॉर्मल 12वीं पास की हुई है और 50% आपके हैं और रेगुलर स्टडी की है आपने 12वीं में, तो भी आप एलिजिबल हैं, या तो डिप्लोमे के साथ 10वीं या फिर 12वीं। इसी के साथ एक चीज और मांगी है, वो है ड्राइविंग लाइसेंस। दोस्तों, इसमें जो ड्राइविंग लाइसेंस है, या तो आपके पास वैलिड हैवी होना चाहिए, अगर नहीं है कोई बात नहीं, मीडियम व्हीकल का जो लाइसेंस होता है वो होना चाहिए, अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपके पास कम से कम दोस्तों जो लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होता है 2 साल पुराना, यानी कि ये जो एडवर्टाइजमेंट आई है 5-6 तारीख को, इससे पहले होना चाहिए 2 साल पुराना, तो भी चल जाएगा। लाइट मोटर व्हीकल चलेगा 2 साल पुराना, हैवी चलेगा आपका कभी भी बनाओ वो चल जाएगा, लेकिन मीडियम व्हीकल का जो होता है वो 1 साल पुराना, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए, एज लिमिट 18 से 30 साल है एज ऑन 30 सितंबर 2018। एप्लीकेशन फीस 400 है, कैटेगरी को छूट मिलेगी, एससी एसटी को 5 सालों की, ओबीसी को 3 सालों की, और कैटेगरी वालों के लिए फीस भी नहीं है। दोस्तों, इसके लिए लास्ट डेट 5 दिसंबर 2018 है, ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है 5 नवंबर को। ऑनलाइन अप्लाई की वीडियो बहुत जल्दी दे रहा हूं, ऑनलाइन जो भी इंटरेस्टेड है यहां से अप्लाई कीजिए, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर कोई डाउनलोड करना चाहता है तो यहां पे कर सकता है। अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं इसके फिजिकल के बारे में। देखो, अप्लाई कर लोगे, आपके एडमिट कार्ड आएंगे, जिसमें अगर आप मेल कैंडिडेट होंगे तो आपको 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा 15 सेकंड के लिए, फीमेल हो तो 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा 20 सेकंड के लिए, और इसके साथ क्लिंबिंग होगी, समझ लो लटकना है आपको, ठीक है, 8 मीटर तक लटक के चलना पड़ेगा, फीमेल के लिए 6 मीटर। पीपल पोल क्लिंबिंग होता है खंबे के ऊपर लटकना, ठीक है, तो इससे भाई रोप जो हो गया वो रस्सी हो गई, पोल हो गया आपका खंबा, तो खंबे में भी सेम ही इन्होंने डिस्टेंस रखा है। उसके बाद कैजुअल लिफ्टिंग है, मतलब वेट उठा के दौड़ना है आपको 50 केजी का फीमेल के लिए, मेल के लिए, और फीमेल के लिए 40 केजी का, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये 60 मिनट की रनिंग होगी, आप लोग याद रखिए, 60 मीटर हो सकता है, मिनट तो नहीं होगा। चलिए, इसके साथ आपको बता दूं, लैडर यानी कि सीढ़ी के ऊपर जो आपको चलना होगा, लटकना होगा, वो 6 मीटर का है दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए ग्राउंड लेवल में। तो दोस्तों, बस आज की कहानी हम यहीं पे खत्म करते हैं। एक चीज दोस्तों, मैं भी इंसान हूं,
गलती मुझसे भी होती है, किसी ना किसी से होती रहती है। पिछली वीडियो में मैंने जो एग्जामिनेशन डेट बताई थी गवर्नमेंट जॉब की, 2019 के बजाय 2018 बजाय, तो काफी सारे लोग पूछ रहे थे ये कैसे होगा। तो दोस्तों थोड़ी सी कॉमन सेंस आप भी लगाया करिए कि देखो जो चीज पॉसिबल नहीं है अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब गलती है। तो आप कमेंट करके ये बोलिए कि सर ये गलती हो गई है, इसको ठीक करिए। तो वही मैं ठीक करता हूँ और मैं ऑलमोस्ट वेबसाइट पे तो ठीक कर ही चुका हूँ वो चीज, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी सोचा करिए, समझदार बनिए, हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहिए, गलतियां चलती रहती है मेरे भाई। बात ये है कि समझदार को इशारा काफी है। तो मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। समझ आया क्या?